हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज हम बनाएंगे दाल मखनी, जिसके लिए मैंने एक कप उड़द और हाफ कप राजमा को ले लिया है और इसे रात भर मैंने भिगोकर रख दिया था। अब आइए चलिए इसे हम बनाना शुरू करते हैं। कुकर में हम राजमा और उड़द को अच्छे से धुल कर डाल देंगे। फिर इसे हम एक सीटी नमक डालकर, एक सीटी लगा कर इसे लो फ्लेम पर कम से कम 20 से 25 मिनट पका लेंगे। ये देखिए हमारा कितना अच्छा उड़द पक गया है। और अब आइए हम कढ़ाई में डालेंगे बटर। 100 ग्राम के करीब बटर डालेंगे। फिर इसमें मैंने 4 टमाटर का प्यूरी बना लिया था, ग्राइंड कर लिया था 4 टमाटर को, और इसे अब आइए हम कढ़ाई में डाल देंगे। फिर इसमें हम डालेंगे 1 से 1.5 चम्मच के करीब कश्मीरी मिर्च, जिससे कि इसमें कलर बहुत अच्छा आएगा, क्योंकि हम इसमें फूड कलर यूज नहीं करेंगे और इससे हमारा जो दाल मखनी है वो बहुत ही ज़्यादा खाने में भी अच्छा लगेगा और देखने में भी। अब आइए इसमें हम 1 से 1.5 चम्मच के करीब जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे और इसे अच्छी तरह से चला लेंगे। अब इसमें हम आइए, इसमें मसाला कुछ भी नहीं जाता ज़्यादा फ्रेंड्स। अब देखिए इसमें मैं थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालूंगी और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डालूंगी और फिर टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालकर बस इतना ही जाएगा मसाला। और इसे अच्छे से चला लूँगी। 1 चम्मच मैं टोमेटो सॉस डालूँगी और इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। फिर देखिए हमारा ऑयल आने लगा है ऊपर ऊपर, इसका मतलब है कि हमारा मसाला अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। अब इसमें हम लोग ये उड़द जो मैंने बॉईल करके रखा है उसे डालेंगे। और दाल मखनी इस तरह से आप बनाएंगे फ्रेंड्स, एक बार बनाकर देखिए मेरे तरीके से, आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। फिर आप सोचेंगे कि मैंने ऐसे पहले क्यों नहीं बनाया। अब इसमें हम उड़द को डालेंगे। ये देखिए हमारा अच्छे से फ्राई हो चुका है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट्स करना ना भूलें। अब इसमें हम उड़द को डालेंगे और इसे करछी से चलाकर इसे थोड़ा सा जो दाल होता है उसे हम मसल लेंगे। ये देखिए मैं फिर करछी को चेंज करूँगी और इसे थोड़ा सा मसल लूँगी और इसमें पानी को ऐड करूँगी। देखिए इसका कलर कितना अच्छा आया है, बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा हमारा दाल मखनी बनकर रेडी होगा। और इसे कम से कम 10 से 15 मिनट तक हम कुक करेंगे मीडियम फ्लेम पर, और बीच बीच में इसे हम चलाते भी रहेंगे ताकि हमारा दाल चिपके नहीं। और अब आइए हम इसे करछी से थोड़ा थोड़ा करके मसलेंगे ताकि हमारा जो दाल है वो थिक और टेस्टी बने। ये देखिए इसका कंसिस्टेंसी कितना अच्छा दिख रहा है। अब इसे हम 15 मिनट के लिए कुक करेंगे। ये देखिए हमारा दाल मखनी, ये देखने में भी बहुत टेस्टी लग रहा है और खाने में तो और भी ज़्यादा टेस्टी लगता है। और इसमें ये बात है, इसमें प्याज भी नहीं जाता। आप देखिए थोड़ा सा मैं रोस्टेड कसूरी मेथी को क्रश करके डाल दूँगी और इसमें डालकर इसे थोड़ा चला लूँगी। फिर इसमें हम थोड़ा सा बटर ऊपर से और ऐड करेंगे। ये इसमें जितना बटर जाएगा फ्रेंड्स, वो ये दाल मखनी खाने में उतना ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। अब इसमें हम क्रीम को भी डालेंगे। ये देखिए मैंने क्रीम को डाला ऊपर से, और ये देखिए मैंने क्रीम को डाल दिया। अब आइए इसमें हम थोड़ा सा बटर भी डालेंगे। हमारा दाल मखनी देखिए कितना ज़्यादा टेस्टी लग रहा है, बिल्कुल रेस्टोरेंट के जैसा बनेगा। और इसे अच्छी तरह से चला लेंगे। अब इसमें 1 चम्मच के करीब हम हनी डालेंगे। ये तीखा मीठा दोनों टाइप का लगता है। ओके बाय।